결혼하고 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 जैसे ही फरवरी महीने में कोरोना ने भारत में दस्तक दिया, वैसे ही हमारे एक केंद्र मंत्री रामदास आठवले ने एक नारे का इन्वेंशन किया। वो नारा था गो कोरोना गो। लेकिन क्या ये नारा वाकई काम आया? क्या वो खुद कोरोना से पीड़ित हुए? जी हाँ, रामदास आठवले जब खुद कोरोना से पीड़ित हुए और ठीक होने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी कोरोना के लिए, आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। रामदास आठवले जी, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए फिर से अपने कार्यकाल लिया है, सर आप और आपकी पूरी फैमिली कोरोना से पीड़ित थी, लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं मतलब लॉकडाउन की पीरियड में बहुत सारा काम करता रहा, बहुत सारे लोगों को हमने 8-10 हज़ार लोगों को हमने अनाज भी बांटा था, अनाज और बाकी का तरीके बांटा था। मैंने कम से कम 3 महीना रोज 200-250 लोगों को दोपहर को खाना, रात को 100-150 लोगों को खाना कम से कम 3 महीना तक मैंने दे दिया था। उसमें टैक्सी ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा वाले थे, स्लम में रहने वाले जो लोग थे, तो और पूरे होटल वगैरह सब पूरे पबंद थे, तो इसीलिए लोगों की समस्या थी। बाद में मतलब मुझे भी मतलब जिस तरह मैंने 20 फरवरी 2020 को मैंने वो कोरोना का नारा दे दिया था और कम से कम 7-8 महीना तक मैंने मुझे संभाला था, लेकिन आखिर में मुझे भी मतलब कोरोना वायरस से मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी भी बीमार हो गई और हम 12 दिन तक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद कोरोना पर मात करके मैं अभी आया हूँ और 15 दिन हो रहे हैं। तो मतलब मेरा काम कुछ ऐसा ही रहा है, मतलब लोगों की समस्या सुनना, उनके लिए जो मदद हो सकती है वो करना, ये काम मेरा ऐसे ही रहा है। मैं पूरे देश भर में जो मेरी पार्टी है उससे मैं संपर्क में हूँ, रोज मुझे 100-200 फोन आते हैं, मैं कुछ लोगों को फोन करता हूँ, उनको एडवाइस करता हूँ। तो पूरे देश भर में मेरे पार्टी ने बहुत सारा काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ जहाँ गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, ऐसे लोगों को मदद करने का काम हमारी पार्टी की तरफ से हुआ है। और अभी मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मुझे अभी कोई जो कोरोना वायरस से जो मैं बीमार था तो मैं निगेटिव भी आ गया और अभी मेरी तबीयत एकदम अभी इम्प्रूव हो रही है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि भीड़ भाड़ ना करें, तो जो कोरोना वायरस जो है ये भीड़ भाड़ से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है और इसलिए मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की आवश्यकता है, बिना मतलब घर के बाहर नहीं निकलने की आदत लगाने की आवश्यकता है। और इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र में मुंबई में केसेस कम होती जा रही है, लेकिन कम ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, हमारे जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कल एक चेतावनी जाहिर की है कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरते तो दोबारा मुंबई को लॉकडाउन किया जाएगा। मुझे लगता है कि मुंबई में अभी लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन अगर मामले अगर बढ़ जाते हैं तो मतलब कुछ जो जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ उस पर बैन लगाने की आवश्यकता होगी। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने महाराष्ट्र को बचाने के लिए या मतलब बहुत सारे लोगों की जीवनहानि ना हो, इसीलिए मतलब वो लोगों को ऐलान किया है कि आप अगर कोरोना पड़ता जाएगा तो लॉकडाउन लगेगा। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लोगों ने ध्यान देकर मतलब अपने अपने जिंदगी का विचार करके मुझे लगता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और मास्क पहन कर ही मतलब घर के बाहर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से रामदास आठवले जी ने कोरोना जैसी महामारी को मात देकर फिर से वो अपने कार्य में लगे हैं और वो अभी भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया है कि डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ही जीवन की रक्षा होगी। मैं दीपाली मिश्रा, कैमरामैन रौनक के साथ, सिटी न्यूज, मुंबई।